क्वेश्चन है, ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर. तो ग्लास की स्लैब है, उसको किसमें डाल दिया? वाटर में डाल दिया. ठीक है यहां तक? फाइंड क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है. आपको ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है और वाटर का भी गिवन है. तो मैंने क्या सिखाया? साइंस इज 1/μ. अब म्यू में क्या रूल सिखाया था? नीचे हमेशा कौन सा मीडियम होगा? डेंसर. और ऊपर क्या होगा? रेयरर. अब कैसे पता लगेगा डेंसर या रेयरर? इसके अंदर इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेक कर लो. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है? ग्लास का. वाटर से ग्लास का बड़ा है, तो ग्लास क्या है? डेंसर. तो सही है, ग्लास नीचे आएगा, वाटर ऊपर आएगा. सही. अगर मैं इसकी वैल्यू बता दूं, साइन सी से सी आ जाएगा. अब इसकी वैल्यू अलग निकाल ली. क्या सीखा? ग्लास नीचे है, ग्लास ऊपर, वाटर ऊपर है, वाटर नीचे. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी पता है और वाटर का भी पता है, डिवाइड करके आंसर आ गया. तो यहां से क्या आ गया? म्यू आ गया. इस म्यू को यहां पर पुट कर ले 1.12, रेशियो आ जाएगी 0.866. क्लियर है? तो यहां से साइन सी की वैल्यू आ गई. सी क्या आएगा? साइन इनवर्स 0.866. वैल्यू गिवन है पेपर में तो लिख देंगे 62. नहीं गिवन तो यहीं तक छोड़ देंगे, काम खत्म. पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे एंगल आते नहीं है. 62 आते नॉर्मल है, 30, 45, 60 ऐसे ही आते हैं. आपको मेथड समझ में आ रहा है कि डेंसर रेयरर को यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है. कोई डाउट इसमें? ठीक है. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बुक्स में दिखेगा, एनसीईआरटी में भी दिखेगा, सब में दिखेगा, टीआईआर के ऊपर. एक लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है, एक लिक्विड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल जार. एक जार पानी का भरा हुआ है, लिक्विड का भरा हुआ है. उस जार का रेडियस है 20 सेंटीमीटर और हाइट भी 20 सेंटीमीटर है. तो रेडियस भी 20 है और हाइट भी 20 है, पानी से भरा हुआ है. एक स्मॉल बल्ब को नीचे जगा दिया, तो बल्ब से लाइट बाहर निकलेगी. तो कहाँ निकलेगी? पानी से हवा में निकलेगी. तो बिल्कुल सेंटर के नीचे बल्ब है तो लाइट निकलेगी, पानी से डेंसर से रेयर में जाएगी. आपको ये बताना है कि एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस जिसमें से लाइट जो है बाहर निकलेगी उसका एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है. ओके, मैं ऐसा समझाता हूँ इसे, इसको नया डायग्राम बना के समझाता हूँ. तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि सपोज ये एक सिलेंड्रिकल जार है, ये रहा, ठीक, सच दैट इसका जो रेडियस है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है और हाइट भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है. तो हाइट की वैल्यू कितनी है इसमें? 20 सेंटीमीटर है और रेडियस भी इसका 20 सेंटीमीटर बता दिया मैंने, राइट. क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने एक सोर्स लिया बल्ब का, ये एस सोर्स है, ये रहा, बल्ब जगाने, लाइट बाहर निकलेगी. अब रूल क्या है ये देखो, रूल ये है कि लाइट जो सीधी जा रही है वो तो देखो बेंड ही नहीं होगी, नॉर्मल के साथ ही जा रही है, सीधी जाने दो, बात खत्म. अब कुछ लाइट बेंड, मान लो इस एंगल पे जा रही है और ये नॉर्मल है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये बात समझ में आ रही है? अवे फ्रॉम नॉर्मल. जो डायग्राम यहां बनेगा एग्जैक्टली यही डायग्राम यहां पर भी बनेगा. तो ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, सपोज आपने ये जो लाइट ली इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज कितना हो गया? सी हो गया. ऐसा हो सकता है लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो एंगल मान लो इंसिडेंस का कितना हो गया? क्रिटिकल के इक्वल हो गया. अब लाइट जब क्रिटिकल के इक्वल हो गया तो कैसे जाएगी? सरफेस के साथ साथ जाएगी. तो जो डायग्राम यहां बनेगा वही डायग्राम यहां भी बनेगा. क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं? ये ऐसा क्यों गई? क्योंकि एंगल क्या बन गया? ग्रेटर देन क्रिटिकल. अब जो लाइट और नेक्स्ट इसमें जाएगी वो तो यार बाहर आएगी नहीं, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया? ग्रेटर देन क्रिटिकल. समझ में आ रहा है? तो कितना पोर्शन ऑफ लाइट, तो अगर मैं पूछूं कितना पोर्शन ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है इस जार में से, सिर्फ इतना पोर्शन, बस इतना पोर्शन बस. क्योंकि अगर एंगल क्रिटिकल से बढ़ गया बाकी पोर्शन में लाइट अंदर रह जाएगी, सिर्फ इतने थे पोर्शन में बाहर निकलेगी. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये टैंक तो काफी बड़ा है पर लाइट सिर्फ कुछ पोर्शन में से बाहर निकल रही है, बाकी में से इसलिए निकल नहीं पा रही क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? टी आई आर होता जा रहा है, लाइट वापस अंदर आती जा रही है. तो उसने कहा
कि लाइट कितने एरिया में से बाहर निकली ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक? तो अगर मैं आपको इसका रेडियस बता दूं आर, तो आप इसका एरिया बता दोगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक? तो रेडियस कैलकुलेट करें इसका। तो इतने सारे इतनी सारी रेज बनाने की बजाय मैं काम करता हूं इसके अंदर दो रेज बनाता हूं, बस ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो मैं इसके अंदर सपोज करो ये सोर्स है, एक लाइट तो ऐसे गई और एक मैं लेता ही वो एंगल हूं जिसपे क्या बना, क्रिटिकल बन गया। ठीक है, ये क्रिटिकल है। जो डायग्राम इधर है वो डायग्राम उधर भी है, तो बना भी देता हूं। ये देखो जो डायग्राम इधर है वो डायग्राम एग्जैक्टली इधर भी बनेगा। राइट, क्लियर है यहां तक? ठीक। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बस ये कैलकुलेट करना है ये रेडियस क्या होगा आर, ये कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है अगर ये सी है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल ये भी क्या है, सी है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लूं, ये वाला, ये ग्रीन कलर का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है 90 है। तो यहां से इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, आर डिवाइडेड बाय एच। ये हाइट कितनी है, एच, और एच आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि आपको एच पता है, एच पता है, और टेन ऑफ सी अगर मैं बता दूं तो वहां से क्या जाएगा आर। मैं टेन सी कैसे बताऊंगा, क्योंकि इसमें टी आई आर हो रहा है तो साइन सी का फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल है, ये वाला साइन सी इज वन बाय म्यू तो एप्लीकेबल है बिकॉज टी आई आर हो रहा है। तो अगर मैं म्यू की वैल्यू बता दूं वहां से साइन सी आ जाएगा, साइन सी आ गया तो टेन सी आ जाएगा, टेन सी आ गया तो आर आ जाएगा, आर आ गया तो पाई आर स्क्वायर से एरिया आ जाएगा। तो रूल समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो ये किया हुआ है सेम डायग्राम, सी तो सी, आर ये एच, एच इसमें 20 है और साइन सी क्या होता है 1 बाय म्यू, म्यू क्या होता है 1 बाय साइन सी। तो साइन सी इज 1 बाय म्यू, म्यू 1.5 गिवन है, तो यहां से क्या आ गया साइन सी। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को लगता है, क्योंकि एक बार आपको साइन सी की वैल्यू पता लगी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, साइन सी कितना है 0.6667 और अपॉन 1 कुछ ऐसे, या ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना तो ये कर लो, साइन सी कितना है 1 अपॉन 1.5, दैट इज 1 अपॉन 1.5। तो यहां से क्या जाएगा, बेस आ जाएगा, बेस आएगा तो यहां से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेन सी ऑल्सो। तो एक बार आपको मैथ्स में साइन सी पता है तो वहां से टेन सी तो कैलकुलेट कर ही लोगे, ये तो लंबा तरीका है करने का। चलो मान लिया आपने टेन सी कर लिया, एच आपको 20 सेंटीमीटर पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा आर आ जाएगा, आर आ गया तो पाई आर स्क्वायर से एरिया आएगा। इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, ऐसी पेपर में नहीं आती हैं, पेपर में नॉर्मल कैलकुलेशंस आती हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रूल लगाना कैसे है। तो कैसे रेडियस निकलेगा जिसमें से लाइट बाहर आ रही है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये टी आई आर की एप्लीकेशन है अगेन। ठीक, तो